एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी नरमीन खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो बहुत से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर से रिलेटेड एक फेस मास्क, जो कि समर में बहुत ही ज़्यादा हमें बेनिफिट देगा। और जैसा कि आजकल का मौसम है, तो ये हम यूज़ करके अपनी स्किन को और ग्लोई बना सकते हैं। तो सब लड़कियों की यही विश होती है कि हमारी स्किन जो है वो हमेशा ग्लो करती रहे, और जो लोग हमें देखें वो कहें वाह, इसकी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसी से रिलेटेड मेरी आज की वीडियो है। तो चलें हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है जो हमारा फेस मास्क रेडी होए। तो ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ना मिले। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है बेसन, और ये इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ पर हमारे पास है योगर्ट मींस दही, लेमन और विटामिन ई के कैप्सूल। साथ ही साथ हमारे पास है टर्मरिक पाउडर मींस हल्दी। तो अब इसको हम लोग रेडी करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। चलिए इस फेस पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेसन लिया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रखता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को फेयर करता है और इससे हमारी स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड करना है यहाँ पर दही। तो अभी मैं थोड़ा ऐड करती हूँ और फिर देखती हूँ कि अगर और ज़रूरत है तो फिर और ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लेमन जूस। तो यहाँ पर हमारे पास है अब हल्दी पाउडर, और इसको हम लोग ऐड करते हैं। ये हमारी स्किन के टोन को सही करता है। और यहाँ पर मैं अब लेने लगी हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। अब इसको हम लोग साइड से थोड़ा सा कट करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे थ्री। तो अब इस सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, और इसका बैटर बहुत ही ज़्यादा सही बनना चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा लिक्विडी हो। तो अभी मुझे लग रहा है कि हमें इसमें थोड़ा सा योगर्ट और ऐड करना चाहिए, तो थोड़ा और ऐड करते हैं। तो इसे लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थ्री। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को हेयर बैंड कर लिया है ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। तो अब हम लोग इसको लगाना स्टार्ट करते हैं, फेस मास्क को। ये देखिए, मेरा ज़्यादा ना लिक्विडी है और ना ही ज़्यादा थिक है। तो अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसकी हमने एक थिक लेयर बनाकर अपने फेस पे लगानी है, और इसको हमने टाइम देना है 10 to 15 minutes। जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते वो 5 minutes तो ज़रूर लगाएं, और जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो लगा सकते हैं काफ़ी देर तक। जब तक लगाएं जब तक ये ड्राई ना हो जाए, और फिर आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें अपना फेस। इससे हमें कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, जो जॉब करती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। वो बाहर जाती हैं और उनके फेस पे डस्ट आती है, तो ये उसको रिमूव करता है, और हमारी स्किन को जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा आता है।
तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और मैं 10 to 15 मिनट्स वेट करती हूँ और फिर इसको वॉश करके आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इसको हम आप लोग अपनी पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं और जैसे हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं ये उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है और जैसे हम फेस पैक जो है वो ड्राई हो गया है और अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो यहाँ पर ये ड्राई हो गया है तो अब मैं इसको जो है वो नॉर्मल वाटर से वॉश करूँगी और फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। या गाइस, अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और जैसा कि आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, मेरी स्किन जो है वो वाइटनिंग की तरफ आ रही है क्योंकि ये मैं रेमेडी जो हूँ वो काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ और आप भी अपनी स्किन को ग्लोई बना सकते हैं और गर्मी के सीज़न में आप इसको ज़रूर ट्राई करें ताकि आपकी स्किन भी जो है वो ग्लोई हो सके और आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का होता है एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू अपडेट आप तक पहुंच जाए और मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि मेरी वीडियोस जो हैं वो अब डेली आएँ, डेली नहीं सही तो ज़रूर जल्दी जल्दी आएँ ताकि आप लोग देखें और इंजॉय करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़।